फ्रेंड्स, यश का असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है। यश के पिता अरुण कुमार गौड़ा बस ड्राइवर थे और KSRTC ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस चलाते थे। यश ने मैसूर स्थित स्कूल में पढ़ाई की और बचपन से ही उनका रुझान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ओर था। उनके फैमिली की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वह स्कूल की छुट्टी के दौरान डिलीवरी बॉय का भी काम करते थे। पैसों की तंगी के कारण यश ने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए वे बेंगलुरु चले गए ताकि कुछ काम कर सकें। यश को स्टार नामक फिल्म में सहायक निर्देशक का काम मिला, लेकिन कुछ दिनों में फिल्म बंद हो गई। उनके पास रुकने की जगह नहीं थी, तब मोहन नामक शख्स ने उन्हें अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन मोहन के रहने की जगह छोटी थी, इसलिए यश ने वहां अपना सामान रखा और खुद रात में बस स्टॉप पर सोते थे। यश ने एक ड्रामा कंपनी ज्वाइन की, जहां उनका नाम नवीन से बदल कर यश कर दिया गया। नाम बदलते ही उनकी किस्मत बदल गई, चमक गई। एक बड़ी पार्टी में जाने को यश को मौका मिला, जहाँ पर कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए हुए थे। यश नोटिस किया गया और उन्हें टीवी सीरियल के ऑफर के लिए उन्हें ऑफर दिया गया। राधिका पंडित के साथ उन्होंने कुछ टीवी सीरियल किए, दोनों की जोड़ी पसंद की गई। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। उनको एक फिल्म में छोटा सा रोल मिला। इसके बाद मोजिना मनासु में लीड रोल मिला। यह नायिका प्रधान फिल्म थी, लेकिन यश का उन्हें सहारा गया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। धीरे धीरे यश लोकप्रिय हो गए और KGF के बाद उनकी लोकप्रियता चौगुनी हो गई। यश का कहना है कि उन्होंने ऐसा ही सपना देखा था कि हर कोई उन्हें पहचाने और नोटिस करे। तो दोस्तों, ये कि यश भैया के बारे में बहुत ही छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, जिन्होंने अपना सफर गरीबी से शुरू होकर एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया। दोस्तों, सफलता निरंतर अभ्यास करने से ही मिलती है। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो हमें पर चल एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। उसका उदाहरण यश आपके सामने है।